नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स 1499 रुपये का। यह है आप लोग का, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी पीजीटी के लिए और एसएससी पीजीटी के लिए यह कंप्लीट कोर्स है 1499, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ, ठीक है। और अगर आप केवल 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चाहते हैं, 6 से 12 तक का पूरा नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग को मिल सकता है। और इसकी फीस केवल 799 रुपये रखी गई है, लेकिन ये सब ये जो है आपका केवल TRE 3 के लिए है, और TRE 3 के लिए है। और यह जो है आपका, ये आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का है। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। और टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 टेस्ट सीरीज चल रही है, तो अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के तहत यह 3 पुस्तकें हैं, और यह आपका यह भाग 2 की पुस्तक है, उसमें उसी संबंधित टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रही है 12 का। टेस्ट सीरीज संख्या 10 विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह आपका चैप्टर है। आइए पूरी तरह से इसे कंप्लीट करते हैं, और बहुत ही बढ़िया सारगर्भित व्याख्या के माध्यम से आप लोग का पूरा यह टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट हो रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। समय कम है बीपीएससी पीजीटी के लिए, इसीलिए मैं यह पहली पहले तो मैं टेस्ट सीरीज ही करा दे रहा हूँ, जो कि क्लास 11 का मैंने लेक्चर्स वीडियो भी दिया है, अब तब मैंने टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। और क्लास 12 का समय कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कहीं टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं इसे कंप्लीट करा दूँ। अगर समय मिलेगा तभी मैं लेक्चर्स वीडियो दूंगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, पहला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करिए। इसकी स्थापना 14वीं सदी में हुई थी, यह तो बिल्कुल सही है। यह उत्तर में कृष्णा नदी से भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था, यह भी आपका सही है। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर प्राय भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ साम्राज्य था। तीसरा देखिएगा, इसकी राजधानी हम्पी थी, तो यह भी आपका सही है। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो आप कर सकते हैं विकल्प डी, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन आपके सही है। व्याख्या देखिएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में 1336 में हुई थी। हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। अपने चरमोत्कर्ष पर उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 17वीं और 18वीं सदी तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, और 1665 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर आदि मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम राज्यों ने इस पर अटैक कर दिया था। हम्पी इसकी राजधानी है। इसकी खोज 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। इनका नाम आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। और 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने इस हम्पी की खोज की थी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। उसने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल का विशेष रूप से उल्लेख किया है। विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का पूजा स्थल जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था, इसका उल्लेख कॉलिन मैकेंजी ने किया है। इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। विचार करना है आप लोग को कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, तो 1 और 2 बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ है, गुजरात में है, क्या यह सही है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं बृहदेश्वर मंदिर गुजरात में नहीं है, यह आपका तंजावर में है, और तंजावर जो है तमिलनाडु में पड़ता है, अतः यह आपका सही नहीं है। चिन्ना केशव मंदिर बेलूर में है, तो यह बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो विकल्प 1 आपका सही नहीं है, मतलब केवल विकल्प 1 आपका सही नहीं है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में है, और तंजावर आपका तमिलनाडु में है, अतः 1 युग्म 1 गलत है। चिन्ना केशव मंदिर बेलूर में है। इन दोनों मंदिरों के स्थान आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आने की संभावना बनती है, क्योंकि इस बार विजयनगर साम्राज्य संबंधित कम से कम बहुत ज्यादा 4 से 5 प्रश्न आप लोग को TRE 2 में देखने को मिले थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रश्नों को मैं
जिस तथ्यों के बारे में मैं इंगित कर दे रहा हूँ इसे आप ध्यान में रखें, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो करिदई, उदरई चट्टी घोड़ों के व्यापारी थे। तो देखिए, चट्टी एक प्रकार का समुदाय था, विजयनगर साम्राज्य में था और यह कोरोमंडल तट पर से संबंधित था। चट्टी जो थे घोड़ों के व्यापारी हुआ करते थे। नागलपुरम की स्थापना हरिहर बोक्का ने की थी। ठीक है, नागलपुरम जो है इसकी स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था जो तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल दो आपका सही नहीं है, मतलब विकल्प भी। विजयनगर में व्यापार अरबी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदरई चट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। ये नागलपुरम जो नगर है कृष्णदेव राय ने किया था, इस नगर की स्थापना अपनी माँ के नाम पर। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे, चालु वंश को तुलु वंश ने पदच्युत किया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित चार वंश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले आता है संगम वंश, और फिर आता है शालु वंश, और फिर आता है तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश, और सबसे लास्ट में अराविडु वंश आता है, अराविडु वंश आता है। तो इन वंशों के क्रम भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तुलु वंश के पश्चात अराविडु वंश की स्थापना हुई थी। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन विजयनगर साम्राज्य संबंधित इन वंशों का क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, संगम, सालु, तुलु और अराविडु। ठीक है, तो तुलु वंश के पश्चात अराविडु वंश की स्थापना हुई थी। राजसी तगड़ी, जिसे तालिकोटा का युद्ध भी कहते हैं, में विजयनगर की पराजय हुई थी। यह भी सही है, विजयनगर में दक्कन के सुल्तानों को अशपति, विजयनगर में जो दक्कन के सुल्तान होते थे उन्हें अशुपति और रायों को नरपति कहकर संबोधित किया जाता था। यह भी आपका सही है। कृष्णदेव राय ने अमुग्ध माल्यदा की रचना की थी, तमिल भाषा में की थी। तो कृष्णदेव राय ने अमुग्ध माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा था। बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी थे कृष्णदेव राय, लेकिन इन्होंने इस पुस्तक को तमिल में नहीं लिखा था बल्कि तेलुगु में लिखा था। तो यही आपका विकल्प डी आपका गलत है। संगम वंश के बाद सालु वंश की स्थापना हुई, जो सैनिक कमांडर थे 1503 ईस्वी तक सत्ता में रहे। ठीक है, शालु वंश 1503 तक सत्ता में रहा, उसके बाद शालु वंश का अंत हो जाता है और तुलु वंश का आरंभ हो जाता है। कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। तुलु वंश के बाद सत्ता अराविडु वंश के हाथों में चली गई थी। 1565 में तालिकोटा का युद्ध होता है। शायद हमने आपको 1665 बता दिया हो तो क्षमा करिएगा, 1565 है, 1565 तालिकोटा का युद्ध है। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राजसी तगड़ी, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, इसमें उतरी थी। मतलब विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था तालीकोटा के युद्ध में? तो राम राय कर रहे थे। ठीक है, और उसके विरोध में कौन कौन से शासक थे मुस्लिम शासक? तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, ये सभी चोर मिल गए थे इनको हराने के लिए। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, लेकिन एक और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, बरार, ये सब पांचों थे, लेकिन अंतिम टाइम में बरार इस युद्ध से निकल गया। ठीक है, कि हमें इस गठबंधन में रहकर युद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, बरार जो था गठबंधन से हट गया। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, ईशंग सेनाओं का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई थी। ठीक है, विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अशुपति और घोड़ों के स्वामी, अशुपति मतलब घोड़ों का स्वामी। ठीक है, और रायों को नरपति मतलब लोगों के स्वामी की संज्ञा दी जाती थी। कृष्णदेव राय, देखिए कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महान शासक माने जाते हैं, विजयनगर क्या दक्षिण के जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान का भी है कृष्णदेव राय जी का है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अमुग्ध माल्यदा की रचना किया था, तेलुगु भाषा में किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, देखिए क्रम थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, तो क्रम पर आप लोग को ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अमर नायक, देखिए पूरा प्रश्न देख लीजिए, चार कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। तो बिल्कुल, ये जो अमर नायक नाम का एक पद हुआ करता था, सरकारी पद हुआ करता था, ये विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। ठीक है, अमर नायक, अमर नायकों के पद वंशानुगत होते थे और उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। तो यह आपका सही नहीं है। ठीक है,
अमर नायक के पद वंशानुगत होते थे, इनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। यह आपका सही नहीं है, इसका स्पष्टीकरण मैं व्याख्या में दे दूंगा। अमर नायक प्रणाली में दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था के गुण विद्यमान थे। बिल्कुल, अमर नायक प्रणाली जो थी, जैसे दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था चलता था, जागीर व्यवस्था चलता था, वैसे ही अमर नायक जो होता था उसे जागीर दी जाती थी। तो यह सही है, कृष्णदेव राय ने स्वयं को यवन राज्य की स्थापना करने वाला कहा। तो बिल्कुल यह सही है, कृष्णदेव राय ने एक उपाधि धारण की थी, अवनी यवन राज ना अस्फाथनाचार्य, ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने उपाधि धारण किया था, यवन राज स्थापनाचार्य, ऐसा कर कुछ उपाधि धारण किया था। तो बिल्कुल इन्होंने अपने स्वयं को यवन राज की स्थापना करने वाला शासक कहा था। ठीक है, तो ये सब सही है। कौन सही नहीं है, तो विकल्प यह जो दो है यही आपका सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या होगा, 1 3 4, 1 3 4 आपका सही होगा, विकल्प सी। व्याख्या देख लीजिएगा, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। इसमें कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे, ठीक है, जिन्हें प्रशासन द्वारा राज क्षेत्र दिए जाते थे, ये कर वसूलने का काम करते थे। कुल मिलाकर वही सामंती व्यवस्था थी, मतलब लेकिन यह एक नहीं, सामंती व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस की राज प्रणाली के अनुसार देखें तो यह एक प्रकार से अमर नायक जो थे नाइट्स, जैसे फ्रांस में नाइट्स हुआ करते थे, यूरोप में नाइट्स हुआ करते थे, जो सैनिक कमांडर होते थे और लोग उनसे बहुत स्नेह करते थे, राजा बहुत स्नेह करते थे, सामंत बहुत स्नेह करते थे और उनकी बहुत विशेष इज्जत थी, और वह सैनिक सेवा देते थे, सैनिक कमांडर होते थे, सैनिक सेवा देते थे और राज्य उनको जागीर दिया देता था और बहुत सारा छूट दिया करता था। इसी प्रकार से नाइट्स की वहाँ थी, यह सैनिक अमर नायक हुआ करते थे। ठीक है, अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन द्वारा राज क्षेत्र दिए जाते थे, ये कर वसूलने का कार्य करते थे। इनकी अपनी सेना होती थी जो संकट के समय में राजा की मदद करती थी। ठीक है, कभी कभी राजा उन्हें स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। ठीक है, तो इनको इनको वंशानुगत नहीं था, इनका स्थानांतरण किया जा सकता था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला बिरुद धारण किया था, यवन राज स्थापनाचार्य का बिरुद धारण किया था उन्होंने। ठीक है, यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका उपयोग यूनानियों और उत्तर पश्चिम में उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, जैसे रोमन लोगों के लिए, यूनान के लोगों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया जाता था, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब इन्होंने भाई यमन राज्य की स्थापना क्यों करवाई थी भाई, अब देखा जाएगा। प्रश्न 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि आप लोग अगर कंप्लीट कोर्स का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, केवल 799 रुपये का कंप्लीट कोर्स है और इसमें आप लोग को पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, पूरे आप लोग को नोट्स PPT मिलेगा और साथ ही साथ पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, पूरी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, 2500 MCQ की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ, 8318397276 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न 5 देखिए, देखिए इस पर थोड़ा सा आप बार बार ना जाने दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे मैं सुधार करूंगा, समझिए समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें क्रम में उल्टा सीधा हो जा रहा है तो क्रम पर ध्यान मत दीजिए। निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है, तो किसने ऐसी बातें कही है, तो ऐसी बातें कही है डोमिंगो पायस ने। डोमिंगो पायस ने विजयनगर को एक विशाल साम्राज्य रोम जैसा बताया है। विकल्प ए, डोमिंगो पायस ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि निकोलो कॉन्टी जो था इटली का यात्री था, ठीक है, देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो फारस का राजदूत था, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अफनासिस निकितिन रूस का व्यापारी था, यह 15वीं सदी में आया था। बारबोसा डोमिंगो पायस जो कि क्या थे, पुर्तगाली थे, ठीक है, और फर्नांडो नूनेज, ये सभी पुर्तगाली व्यापारी थे जो 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा किए थे। प्रश्न 6 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करिए, कमलपुरम जलाशय और हिरियाणा विजयनगर से संबंधित है। बिल्कुल यह सही है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण दिया है, यह भी आपका सही है। यहाँ के शासकों ने कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया था, मतलब विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बातें हो रही हैं, तो यह भी 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। उसमें से कौन सा कथन सही है, तो विकल्प डी, 1 2 3 तीनों बातें सही हैं। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के संबंध में सबसे आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य यहाँ प्राकृतिक कुंड है। ठीक है,
ऐसे ही जलकुंडों में एक का निर्माण 15वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इससे न केवल सिंचाई होती थी बल्कि उसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त खिरिया नहर के भग्नावशेष को आज भी देखे जा सकते हैं। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्रों को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग लाया जाता था। अब्दुल रज्जाक, जो फारस का निवासी अब्दुल रज्जाक था और यह राजदूत बनकर विजयनगर की यात्रा पर आया था, वह यहाँ किलेबंदी से बहुत प्रभावित था। वह उसने दुर्गों को सात पंक्तियों के उल्लेख के साथ ही किलेबंदी का विस्तृत विवरण भी लिखा है। विजयनगर में कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी पर बल दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना था। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। डोमिंगो पायस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? डोमिंगो पायस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? डोमिंगो पायस द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा का संबंध किससे था? यह महानवमी डिब्बा था क्या? चार ऑप्शन है, तो विशालकाय मंच, विशालकाय मंच था महानवमी डिब्बा। बी देखिएगा, शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर जैसे मंच हुआ हुआ करता था, ये शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद माह में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहारों के 9वें दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। नवरात्रि को उत्तर भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि और महानवमी नाम से जाना जाता था। इस अवसर पर विजयनगर के राजा अपने महिमा को का प्रदर्शन किया करते थे। प्रश्न 8 देखिएगा, कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था? कमल महल का संबंध किस साम्राज्य से था? विजयनगर से, बीजापुर से, गोलकुंडा से या पीदर से? तो कमल महल बताया भी हूँ, यह विजयनगर साम्राज्य संबंधित यह था कमल महल। विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल था। संभवतः यह प्रसिद्ध सदन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। उल्लेखनीय है कि हजारा राम मंदिर भी विजयनगर की स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसमें आंतरिक दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। तो कहाँ पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं? तो हजारा राम मंदिर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहता था। तो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य में जो भी राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे, ठीक है। शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेतक रूप में विरुद हिंदू सुत तराणा का प्रयोग भी करते थे। तो 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2, विजयनगर साम्राज्य के शासकों से संबंधित ये दोनों बातें सही हैं। विजयनगर शासकों की विरूपाक्ष और पंबा देवी में श्रद्धा थी। विजयनगर शासकों की विरूपाक्ष और पंबा देवी में श्रद्धा थी। उन्होंने स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहा। यहाँ के शासकों ने अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद हिंदू सुत सुरतराड़ा का प्रयोग किया था। प्रश्न 10 देखिएगा, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। राय गोपुरम यहाँ के राजकीय प्रवेश द्वार थे। विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राय गोपुरम यहाँ के राजकीय प्रवेश द्वार थे। विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और अधिक बड़ा किया गया। राय गोपुरम यहाँ के राजकीय प्रवेश द्वार थे, यह सही है। विरूपाक्ष मंदिर को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद और अधिक बड़ा किया गया, यह भी सही है। विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप थे। तो देखिए, विट्ठल मंदिर के देवता प्रमुख विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। तो 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 विकल्प डी। राय गोपुरम यहाँ के स्थापत्य के भाग हैं जो कि राजकीय प्रवेश द्वार होते थे। ये प्रवेश द्वार लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। स्थापत्य के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थानों के चारों ओर बने होते थे सीमित हैं। विजयनगर के मंदिर परिसर की एक चारित्रिक विशेषता प्रतगलियाँ थी।
जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में आ जाते थे। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़े से बनाया गया था और इसके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें चलाया करते थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई सदियों में शताब्दियों में हुआ। इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे और बड़ा किया गया था। विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता विट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी के रूप थे वो, ठीक है। महाराष्ट्र में एक प्रमुख देवता है विट्ठल, ठीक है, वह विष्णु जी के ही रूप है। प्रश्न 11 देखिएगा, चिदम्बरम मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। चिदम्बरम मंदिर जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में है चिदम्बरम मंदिर, बी जो है आपका सही है। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ मंदिर के गोपुरम में कृष्णदेवराय की मूर्ति लगी हुई है। तो चिदम्बरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है और यहाँ मंदिर के गोपुरम, मंदिर के अलग भाग होता है गोपुरम कहा जाता है, वहाँ कृष्णदेवराय जी की मूर्ति भी लगी हुई है, ठीक है। प्रश्न 12 देखिएगा, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? 1856 में, 1876, 1902 या 1986? तो 1986 में, ठीक है, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। विजयनगर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 1800 में कॉलिन मैकिन्जी द्वारा विजयनगर की स्थापना की यात्रा किया गया। 1800 में कॉलिन मैकिन्जी ने विजयनगर की यात्रा की थी। 1876 में पुरातत्व पुरास्थल के मंदिर के दीवारों के अभिलेख का जे फ्लिप द्वारा प्रलेखन प्रारंभ किया गया था। जो हम्पी का पूरा स्थल है उस पर, उसके दीवारों पर जो रिसर्च हुआ है, अभिलेखों के दीवारों पर, दीवारों में जो अभिलेख लिखे हैं उस पर जो रिसर्च किया गया था जे एफ फ्लिट द्वारा किया गया था 1876 में। इन दोनों के नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कॉलिन मैकिन्जी का और जे एफ फ्लिट का, विजयनगर साम्राज्य संबंधित दोनों लोगों के नाम उल्लेखनीय है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको मटेरियल चाहिए तो 8318397276। केवल 799 रुपये का मटेरियल है, ठीक है, और इसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको सब मिलेगी। 1499 रुपये का कंप्लीट सीरीज आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है, तो जो भी आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं। धन्यवाद आप लोग।